फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एनसीईआरटी हल्ला में और मैं हूँ आपका मिस्टर एमएस। देखिए आज मैं आपके लिए कौन सा चैप्टर लेकर आया हूँ, द स्टॉर्म इन द गार्डन। मतलब एक स्टॉर्म होता है तूफान, गार्डन में एक तूफान आया है, लेकिन वो किसके साथ आया है तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सुनो एक घोंगा था, आपने देखा है ना इस तरीके का घोंगा? नहीं देखा हो तो आप इसमें एक बार देख लीजिए। वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड, वो अपने मतलब कि अपने मित्र के पास मतलब कि वो मतलब मिलने जा रहा था। विजिटिंग होता है किसी के यहाँ भ्रमण करना। द आंट्स, द चीटी थी, कौन थी उसकी मित्र? चीटी। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, वो जो ना उसके पूरे शरीर पर चढ़ती थी, मतलब उसके पूरे ऊपर चढ़ती थी। कैसे? ही मतलब इस तरीके से करती थी। दे क्लाइम्ड अंडर हिम, वो उसके नीचे भी जाती थी और क्या कहती थी? ही। सडनली ए ग्रेट व्हाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड, तभी अचानक क्या हुआ, आसमान में बादलों से लाइट दिखने लगी है, बादलों से। सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हैट, जल्दी से उसने मतलब कि अपना जो सिर था वो मतलब एक प्रकार से खींचा। पुल्ड इन हिज टेल, जो अपनी पूंछ थी उसमें को। एंड शैट वेरी स्टिल, और पढ़ाई वोट मतलब कि एकदम शांत बैठ गया। क्या हुआ आगे? आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड क्रॉस फ्लू पास्ट, खा खा खा, पूरा मतलब कि बाहर की साइड जो आसमान था वो बिल्कुल काला हो गया, ठीक है ना, मतलब कि वो जो स्काई था वो बिल्कुल काला हो गया। एंड क्रोज, जो कौवे थे वो भी मतलब कि उड़ने लगे, कैसे करके, का 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 का। ओह बट वेयर वर द आंट्स, लेकिन ये चीटियाँ कहाँ हैं? सुनो स्टक आउट हिज फिलर एंड लुक्ड फॉर देम, उसने अपना वो जो फिलर होता है वो डंक से जो होते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके सुनो के दो फिलर ऊपर दिख रहे हैं ना, इसके सिर के ऊपर आंखों के ऊपर जो है वो दो, ठीक है। तो इसने इनको उठाया और ये इनने चींटियों को देखा। दे वर हाइडिंग अंडर ए फ्लावर पॉट, वो कहाँ छुप रही थी? एक फूल का जो एक प्लॉट मतलब पॉट था, जो एक गमला था उसके नीचे छिप रही थी। गो होम सुनो आप घर चले जाओ, द आंट्स क्राइड आउट, वहाँ चींटियाँ चिल्ला रही थी, हरी योर मदर विल वॉरी, जाओ जल्दी जाओ, मतलब जल्दी जो आपकी मदर हैं वो चिंता कर रही होंगी। सुनो वेंट टू हिज मदर वेयर सी शेट अंडर ए स्टोन नियर द वेल, तो क्या हुआ जब ही वो मतलब कि वो गया, मतलब सुनो अपने घर को, मतलब अपनी मदर के पास गया जहाँ उसकी मदर एक जो हमारा ये वेल एक कुएं के पास वहाँ पे बैठी हुई थी, स्टोन एक पत्थर के नीचे। अम्मा शेट, सुनो ने कहा, अम्मा देयर इज ए स्टॉर्म इन द गार्डन, गार्डन में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। आई हेयर द विंड ब्लो, मैंने हवा को चलते हुए देखा है, इस तरीके से। आई सा ट्रीज अवे शबे, मैंने ट्रीज को भी मैंने इस तरीके से करते हुए देखा है, शा 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 शा। आई सा लाइटनिंग फ्लैश, मैंने जो आसमान में बिजली है ना उसको भी पकड़ते हुए मतलब कि उसको भी कड़कड़ाते हुए देखा है, झाझाक। आई हियर थंडर रोल, मैंने जो सॉरी है ना, हाँ ठीक है, और मैंने जो उसको जो झंझावात है ना उसको भी सुना है, रोल, कैसे, घड़ूम। ओ आई हियर रेन फॉल, सीता पीता, मैंने इसको भी सुना है जो बारिश पड़ रही थी। आई हियर्ड वाटर ड्रिप, मैंने जो पानी है था ना उसको भी पड़ते हुए सुना है, ड्रिप, प्लिप, इस तरीके से पानी पड़ रहा है। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म, ये बहुत मतलब कि बड़ा तूफान है। सुनो हैड एवर बीन सीन, कभी उसने ऐसा नहीं देखा, प्लिप, ये सभी आवाजें वहां आ रही हैं। एंड डू यू नो आप मतलब आप जानते हो क्या? सुनो डू नॉट गेट वेट, सुनो बिल्कुल नहीं भीगा। डू यू नो वाई, क्या आपको पता है क्यों नहीं भीगा होगा?
ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे आप पे नहीं होगा, फिर भी आप एक बार ट्राई करो कमेंट बॉक्स में कैसे करते हैं, ठीक है ना। वहाँ मुझको बताना कि वो क्यों नहीं भीगा था। तो यहाँ इसके वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। स्नेल एक घोंगा होता है, डार्क मतलब अंधेरा होता है, फिलर्स एक प्रकार से उसके टंक मान लो डंक होते हैं, स्टॉर्म तूफान होता है, लाइटनिंग बिजली होती है, और थंडर भी हमारा मतलब कि एक प्रकार से झंझावात होता है, ठीक है ना। चक्रवात तो नहीं होता, झंझावात होता है जो एक साथ आंधी वांधी के साथ जो आता है, ठीक है ना। ये है ओके। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और अपने स्ट्राइमस को दीजिए इजाज़त, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तब तक के लिए बाय मित्रों।